प्रीप्रोसेसर, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंपाइलर को दिए जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन कंपाइलेशन से पहले ऑपरेट कर दिए जाते हैं। प्रीप्रोसेसर हैश से शुरू होता है, हैश इस तरीके से लिखते हैं। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव को हम प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली मेन से इसे ऊपर ही लिखना चाहिए। प्रीप्रोसेसर मेनली जो पॉपुलर डायरेक्टिव्स हैं वो दो हैं, एक है हैश इंक्लूड, दूसरा है हैश डिफाइन। फर्स्ट हैश इंक्लूड डायरेक्टिव पढ़ते हैं। हैश इंक्लूड इंक्लूड करता है सभी फाइल्स को, डायरेक्टरीज को या हेडर फाइल्स को, डेफिनेशन ऑफ सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को या मैक्रोस को। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जब हम फाइल नेम लिखते हैं तो ये सर्च करता है प्री डेसिग्नेटेड डायरेक्टरी के अंदर। सबसे पहले कहाँ सर्च करता है, जहाँ पर हमने हेडर फाइल बाय कन्वेंशन हम जहाँ लिखते आए हैं लिब फोल्डर में, वहाँ जाकर सर्च करता है टीसी के अंदर बिन में लिब में, जहाँ एक प्री डेसिग्नेटेड डायरेक्टरी होती है वहाँ पर सर्च करता है। दूसरा तरीका होता है हैश इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर जब हम फाइल नेम को लिखते हैं, तब वो सबसे पहले करंट डायरेक्टरी में सर्च करता है और उसके बाद प्री डेसिग्नेटेड डायरेक्टरी में जाता है। इसी तरीके से पहले यहाँ करंट डायरेक्टरी में सर्च करेगा, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट के तरीके से सर्च करेगा। हैश डिफाइन डायरेक्टिव, हैश डिफाइन डायरेक्टिव सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के काम आता है, दूसरा मैक्रोस को डिफाइन करने में काम आता है। सबसे पहले फिर सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट देखते हैं। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करता है। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट वो कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहती है। जहाँ जहाँ हमें सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू चाहिए वहाँ हम उस वेरिएबल के उस आइडेंटिफायर को लिख के हम उसकी वैल्यू गेट कर लेते हैं। जब भी हमें सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज करनी होती है तो हम हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में जाकर उस वैल्यू को चेंज कर देते हैं। हमें पूरे प्रोग्राम में जाकर उसकी वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि हैश डिफाइन, हम यहाँ लिखेंगे हैश डिफाइन, फिर उसके बाद आइडेंटिफायर और फिर वैल्यू। जब भी आपको सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत हो तब यहाँ पर आप वैल्यू आके चेंज कर दीजिए। पूरे प्रोग्राम में आपको इसकी वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और बाय कन्वेंशन आइडेंटिफायर को आप कैपिटल में लिखते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि हैश डिफाइन मैक्स 100। यहाँ पर मैक्स मैक्सिमम मार्क्स है जो कि हमेशा फिक्स रहते हैं। अगर आपके मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 100 में से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर एक बार 100 लिख देते हैं, अगर 500 में से आ रहे हैं तो 500 लिख देते हैं। तो ये पूरे प्रोग्राम में सेम रहता है। मैक्रो भी हैश डिफाइन भी प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू ही डिफाइन किया जाता है। मैक्रो दो तरीके से लिखा जाता है, विद और विदाउट आर्ग्यूमेंट। विदाउट आर्ग्यूमेंट तो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट के इक्विवेलेंट हो जाता है। विद आर्ग्यूमेंट हम पढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है हैश डिफाइन। यहाँ पर हम एक मैक्रो बना रहे हैं जिसका नाम हमने क्यूब रखा, क्यूब कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर हम एक वैल्यू पास करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 या जो भी आप जिसका भी क्यूब निकालना चाहते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया x। अब इसकी बॉडी, तो बॉडी में क्या लिखेंगे हम, उसका फॉर्मूला जैसे जो कि क्यूब निकाल रहे हैं, तो x into x into x इस तरीके से। तो अब हम इस मैक्रो को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो मेन से ऊपर लिख दिया जाएगा और इस तरीके से हम कोई भी छोटे फंक्शन को मैक्रो के अंदर है यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट और मैक्रो के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर हम एक प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन लेते हैं। मान लीजिए हमें एक कॉन्स्टेंट बनाना है मैक्सिमम मार्क्स के लिए, तो हमने मैक्स ले लिया।
अब हम इसे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे मैक्स जहाँ भी हम लिखेंगे उधर उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। चेक करते हैं इसका आउटपुट, देखिए 100 आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मैक्स की वैल्यू को मैं चेंज करूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, मगर मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैक्स इक्वल टू, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अंदर विद इन द प्रोग्राम चेंज करूँ, तो देखते हैं एरर आती है क्या। यस एरर आई है। कौन सी एरर आई है? एल वैल्यू रिक्वायर्ड, मतलब ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है। इसको लेफ्ट हैंड साइड नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या रीअसाइन क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट में। तो अब इसको रिमूव कर देते हैं अपन, क्योंकि ये अगर आप वैल्यू चेंज करना ही चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 100 की जगह जाकर चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से 500। अब आपका आउटपुट 500 आ जाएगा। तो विद इन द प्रोग्राम, तो ये किसका अच्छा फीचर है कि आपको एक ही जगह चेंज करना पड़ता है पूरे प्रोग्राम में, इसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी। अब इसी तरीके से अगर मैं मैक्रो बनाना चाहूँ, तो एक बार प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लेते हैं और क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही उसी तरीके से जैसे अपन ने अभी देखा था, इसकी बॉडी ये हमने मैक्रो बना लिया। अब हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर अगर मैक्रो को कॉल करते हैं, मान लीजिए हमें 3 का क्यूब निकालना है, तो हमने क्यूब में यहाँ पे क्यूब आइडेंटिफायर लिखा, उसके बाद हमने उसमें 3 पास किया। तो 3 पास होने के बाद ये कहाँ पे जाएगा? मैक्रो की जो डेफिनेशन ऊपर लिख रखी है अपन ने हैश डिफाइन में, वहाँ पर जाके 3 की वैल्यू रिप्लेस करेगा। फिर उसकी बॉडी में 3 जाएगा, 3 × 3 × 3, और फिर ये रिटर्न करेगा। रिटर्न यहीं पर आके करेगा प्रिंट एफ में, और फिर वो प्रिंट करेगा। तो देखते हैं इसका आउटपुट, यहाँ पे एक एरर आती है, ये हमने एक ब्रैकेट कम लगाया। अब देखिए 27 आ गया। 27 आने के बाद अब हमने एक और मैक्रो बना के देखते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, x × y, length × breadth। अब मैं इसका इसकी वैल्यू यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए 3 और 4 लेंथ और ब्रेथ है, और यहाँ पर मैं आइडेंटिफायर का नाम लिख दूँगा रेक्टेंगल REC, इस तरीके से। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए 12 आ गया। तो इस तरीके से हम सिंबॉलिक कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं और मैक्रो भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अधिक लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।